दोस्तों आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फी, जो कि सबको बहुत पसंद आती है और ये बहुत ही कम समय में बन जाती है और बहुत ही आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप सबका स्वागत करती हूँ कलर्स ऑफ किचन में। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 1 कप, और चीनी लेंगे 3/4 कप, और देसी घी लेंगे 1/2 कप। देसी घी की जगह आप डालडा या अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। इसके लिए हम 1 कप बेसन को पैन में डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 1 मिनट हो चुका है इसे फ्राई करते हुए, अब मैं इसमें घी ऐड कर दे रही हूँ। तो दोस्तों अगर आप डालडा ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी घी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है बर्फी में। तो हम इसे अब बेसन के साथ इस तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए चलाते रहेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि आपको बेसन को कभी भी ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा और फिर जल जाएगा। और इसे हमें 17-18 मिनट तक के लिए चलाते हुए फ्राई करना है। तो चलिए चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 3/4 कप चीनी ऐड करेंगे पैन में, और उसका आधा हम डालेंगे पानी, यानी आपने जितना चीनी लिया है उसका आधा पानी डालिए। और फिर इसे हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाते हैं चाशनी को, एक तार की चाशनी हमें बनानी है। तो मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और ये धीरे धीरे अब घुलेगी चीनी, और हम बेसन को भी चलाते रहेंगे बीच बीच में, या फिर आप चाहे तो चाशनी को पहले से बना लें। अब चीनी जैसे ही घुल जाए हमें इसे चलाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये भी नीचे से चिपकने लगता है। और इसमें हम फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, या फिर आप कूटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं, या फिर आप केसर भी डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो या फिर जो भी घर पे अवेलेबल हो। और इसे चलाएंगे हम। दोस्तों 2 से 3 मिनट में ही चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए एक तार की चाशनी बन गई है, मैं चेक कर रही हूँ एक तार बन रहा है इसमें। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। बेसन को 18 मिनट तक मैंने फ्राई किया है बिल्कुल लो फ्लेम पर, और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो इसे हम उतार लेते हैं। इसे हम जब उतारते हैं गैस से तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहते हैं, क्योंकि कढ़ाई गर्म है और अभी भी बेसन का कलर चेंज होते जा रहा है। तो इन दोनों को 5 से 6 मिनट के लिए हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, और उसके बाद 1/4 छोटा चम्मच इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ बेसन में कलर के लिए। आप चाहे तो फूड कलर डाल सकते हैं चाशनी में, येलो फूड कलर जो भी आप चाहे। तो अब मैं चाशनी को इसमें डाल दे रही हूँ, ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है चाशनी को, नहीं तो फिर चाशनी जम जाएगा और फिर मिक्स नहीं कर पाएंगे आप। तो अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट में 1/2 चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है, ताकि बर्फ़ी हम जब इसमें डालें और फिर जब निकालें तो बर्फ़ी इसमें चिपक नहीं जाए। और ये देखिए 1 से 2 मिनट में ही बर्फ़ी थोड़ी थोड़ी जमने लगी है। तो हम इसे फटाफट प्लेट में निकाल कर इसे अच्छे से फैला देते हैं, अच्छे से इसे प्लेन कर लेंगे फैला कर। इसे मैं इवन करने के लिए हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ पहले, उसके बाद एक प्लेट का इस्तेमाल करूँगी। दोस्तों ये काम या ये स्टेप मुझे नहीं करना पड़ता, अगर जो मिक्सर लिक्विड था उसी समय मैं डाल देती तो खुद ही ये प्लेन हो जाता, लेकिन मुझे थोड़ा सा कैमरा भी एडजस्ट करना था, तो इसलिए ये तुरंत ही थोड़ा सा जम गया कढ़ाई में 1-2 मिनट में ही। तो आपका मिक्सर लिक्विड रहेगा आप उसी समय प्लेट में ट्रांसफ़र कर दीजिए फटाफट, तो आपको ये प्लेन करने वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। यह अच्छे से इवन हो जाए इसके लिए मैं एक प्लेट से इसे अच्छे से दबा दे रही हूँ चारों ही तरफ से। अगर ये इवन नहीं होगा तो फिर जब आप बर्फ़ी को कट करेंगे तो फिर उसमें क्रैक्स आएंगी और उसका शेप भी अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इस तरह से इवन होना बहुत ज़रूरी है। तो चारों ही साइड से अच्छे से इवन हमें कर लेना है, और फिर जो प्लेट के साइड साइड में भी है उसे भी हमें इवन करना है उंगली से। तो अगर आप किसी चौकोर बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो शेप है बहुत ही अच्छा आएगा, मतलब साइड के जो शेप है वो गोल बर्तन में चौकोर नहीं आते हैं। तो मेरे पास ये गोल बर्तन ही था तो मैंने इसमें डाला है। अगर आपके पास कोई चौकोर ट्रे है स्टील का तो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर केक बनाने वाला ट्रे। तो मैं इसे थोड़ा सा गार्निश कर दे रही हूँ ड्राई फ्रूट से।
यहाँ मैंने बादाम का इस्तेमाल किया है, बादाम को रोस्ट करके कट कर लिया है। आप चाहे तो पिस्ता डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दिया था और ये जम गया है। अभी इसे काटा जा सकता है। वैसे अगर आपको और थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर चाहिए तो आप फ्रिज में 4 घंटे के लिए रख दीजिए, ये अच्छे से कड़ा हो जाएगा और उसके बाद आप कट कर सकते हैं। तो मैं साइड साइड से पहले कट कर दे रही हूँ ताकि स्क्वायर शेप बीच का आ सके। आपको जितने बड़े साइज चाहिए आप उस हिसाब से काट लीजिए, या फिर आपको ट्रायंगुलर शेप चाहिए तो आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से पहले बीच से काट ली हूँ और उसके बाद फिर सीधा काट ले रही हूँ। तो अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए निकल जा रहे हैं ये। तो मैंने सारे पीसेस निकाल लिए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी। आप जैसे ही खाएंगे वैसे ही मुंह में घुल जाएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार आ ही रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपने कमेंट्स मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बाय बाय।